हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग क्लास एट का देख रहे थे, सीजी बोर्ड का चैप्टर टू एक्सपोनेंट क्लियर, तो चलिए उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके थे, आज हम लोग क्लियर करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। क्लियर, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का एक्सरसाइज सेकेंड नंबर। इसमें आप लोगों को गुणा का नियम, भाग का नियम, घातों का घातांक नियम, ये सब बता दिया गया था। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.2 एट फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सरल कीजिए, इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर, तो चलिए इससे पहले जो नियम बताया था, मैं गुणा का नियम बताया था कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू होता है आपका ए टू द पावर एम प्लस एन। ये आपका फर्स्ट रूल है। नाउ सेकेंड रूल क्या था आपका, ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। नाउ थर्ड रूल था आपका ए टू द पावर एम टू होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन। नाउ फोर्थ रूल था ए टू द पावर जीरो इक्वल टू वन। चलिए यही फॉलो होगा आपका एक्सरसाइज सेकेंड में। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू है फर्स्ट नंबर पे 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। क्लियर, तो चलिए मेंशन कीजिए सभी अपना नोट कॉपी में ए सो एल वी ई डॉट सॉल्व। एट फर्स्ट हमको जो भी गिवन दिया है नंबर उसको लिखिए। हमको क्या दिया गया है, 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। क्लियर, यहाँ पर जो पावर दिया गया है, बेस पे पावर दिया गया, उसका मीन्स ये है कि उस नंबर की बार बार आप यहाँ पर रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पर सपोज मैं 2^3 बोल रहा हूँ, मीन्स होता है 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2^4 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। क्लियर, तो चलिए उसी के बेस पे यहाँ पर दिया गया है 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। नाउ 7 × 7 × 7, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। इंटू 1 × 1 × 1, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। नाउ 2 × 2 × 2। क्लियर, चलिए जो जिसके बेस पे है, इवन नंबर इवन नंबर से कट जाएगा, ऑड नंबर से कट जाएगा। मीन्स फर्स्ट टू से, सेकेंड टू, सेकेंड टू से, थर्ड टू से। क्लियर, हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया आपका, 1 1, जब 1³ मीन्स होता है आपका 1, यहाँ पर है आपका 7³। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 7 जो होता है आपका 49, और 49 7 जो होता है 7 9 7 9 जो होता है आपका 63, 9 6, 7 4 जो होता है 28 28, और 6 हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पर 7³ होगा आपका 343, आपका आंसर आ जाएगा 1/343। क्लियर, तो यहाँ पर आपको देखना है कि बेस क्या है, पावर क्या है। क्लियर, तो यहाँ पर बेस को ही ध्यान रखना है, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर, चलिए इसी के बेस पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है 4/5 टू द पावर 4 इंटू 5/4 टू द पावर 2। देखिए दोनों का बेस इक्वल है क्या, देखिए देखिए जल्दी से देखिए, अच्छे से देखिए, दोनों का बेस इक्वल आपका नहीं है। तो क्या करोगे, पहले बेस को इक्वल करोगे। क्लियर, जब बेस इक्वल है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, जब बेस इक्वल नहीं है तो पहले बेस को इक्वल कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, 4/5 टू द पावर 4 इंटू 5/4 टू द पावर 2। क्लियर, तो यहाँ पर हमको दिया गया है 4/5 टू द पावर 4 इंटू 5/4 टू द पावर 2। क्लियर, तो चलिए इसी बेस को और पावर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, दोनों का बेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक रूल से पढ़े हैं कि a/b टू द पावर m इक्वल टू होता है b/a टू द पावर होता है माइनस m। अगर कोई भी आपका नंबर होता है जो आपका न्यूमिनेटर में रहता है पॉजिटिव नंबर में रहेगा, तो डिनोमिनेटर में आकर के क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। मीन्स अगर अंश में आपका धनात्मक है तो हर में आकर के ऋणात्मक हो जाएगा, हर में अगर ऋणात्मक है तो अंश में जाकर के क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों का बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों का बेस इक्वल करेंगे तभी पर यहाँ पर घातांक का नियम लागू होगा, अन्यथा घातांक का नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 4/5 टू द पावर 4 इंटू 4/5 टू द पावर जाएगा -2। क्लियर, यहां पर मैं चेंज किया हूं 4/5 को 4/5 से, आप चाहोगे तो इसको 5/4 भी बना सकते हो। क्लियर, एज यू विश, अब जैसा भी सॉल्व करेंगे आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए यहां पर देखिए, इसका बेस आपका इक्वल है, इसका भी बेस इक्वल है। क्लियर, तो बेस इक्वल रहता है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m * a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m + n। a मींस 4/5, m मींस 4, a मींस 4/5, n मींस -2। क्लियर, तो यहां पर गुणा के नियम में क्या होता है,
घात आपके जुड़ते हैं, आधार आपका वही रहता है। गुणकने में क्या होता है तो आधार जुड़ता है, किस में आधार जुड़ता है तो गुणा के नियम में होता है। कितने आधार रहते हैं तो दो आधार रहते हैं, क्लियर। तो जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस शर्त यह है कि दोनों की घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग गुणा का नियम। तो इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर करेंगे 4/5 टू दी पावर हो जाएगा 4 ब्रैकेट -2। जब भी नेगेटिव नंबर आता है उसको ब्रैकेट यूज किया कीजिए। ब्रैकेट में आप ये होता है कि काइंड ऑफ ब्रैकेट आप लोग पढ़ते हो भाई, ठीक है, कि रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक बोलते हो, उसके बाद क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इस तरीके से कोष्टक होते हैं। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कोष्टक के प्रकार को भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और आपका होता है बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर मैं छोटा कोष्टक यूज किया हूँ, छोटा वाला भाई को यूज किया हूँ यहाँ पर मैं, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/5 टू दी पावर हो जाएगा 4 ± का मल्टीप्लाई होता है -4 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 4/5। 4 - 2 मीन्स होता है 2। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। आपका ये है आंसर, क्लियर। तो हमारा जो बी नंबर का क्वेश्चन है 4/5 टू द पावर 4 इंटू 5/4 टू द पावर 2, इसका आंसर आ गया आपका 16/25, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, क्लियर। तो ये आपका सेकेंड एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन चल रहा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। असल जिंदगी का स्वाद तब आता है जब लास्ट तक टिके रहो, क्लियर। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए तभी आपका एक्सरसाइज क्लियर होगा, ठीक है। और अगर हमारा सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए जल्द से जल्द, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को पाइए, क्लियर। अभी तो हम लोग क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर को क्लियर करेंगे। चलिए इसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर है आपका -5, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 टू द पावर क्यूब और यहाँ पर है 3/4 टू द पावर है -5, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बेस इक्वल है आपका, बेस इक्वल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। बेस इक्वल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा गुणा कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या था हमारा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a मीन्स है यहाँ पर 3/4 और सेकेंड a मीन्स है आपका 3/4, m मीन्स है आपका 3, नाउ n मीन्स है आपका -5, क्लियर। यहाँ पर मैं प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा देन माइनस, जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा देन प्लस, जब प्लस का मल्टीप्लाई आपका माइनस के साथ होगा माइनस, देन माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस के साथ होगा देन माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई आपका माइनस के साथ होगा देन प्लस। मीन्स एक में अगर माइनस आ गया फिर पूरा माइनस, क्लियर। दोनों प्लस है तब प्लस होगा, दोनों माइनस है तब प्लस होगा, क्लियर। एक माइनस है मतलब माइनस ही होगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, बट माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3/4 टू द पावर 3 इंटू 3/4 टू द पावर -5, क्लियर। दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है तो यहाँ पर कोई तकलीफ समस्या नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3/4 टू द पावर हो जाएगा 3 ± 5। जब भी नेगेटिव नंबर आता है छोटा कोष्टक यहाँ पर यूज किया कीजिए, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फार्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, क्लियर। इसी के बेस पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3/4, 3 ± का मल्टीप्लाई माइनस, 3 - 5, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। सो 3/4 टू द पावर हो जाएगा आपका -2। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर आपका माइनस है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा अंश को हर में ले आऊंगा, हर को अंश में ले जाऊंगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। मीन्स मेरा तात्पर्य है कि 4/3 टू द पावर 2, क्लियर। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, a बाय बी टू द पावर m इक्वल टू बी बाय ए टू द पावर होता है आपका -m। तब की स्थिति में आपका आंसर कितना आएगा, 4² 16, 3² 9, a nest.answer। ये है आपका डी नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड का, क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने देर तक आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन को फेस कर रहे थे, ठीक है, ये 0 से 5 वर्ष का उम्र का क्वेश्चन था, अब आप लोग 10 से 12 15 से 20 के बीच के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाने हैं, तो ठीक है। तो उस डेट में मैं बताया था आप लोगों को कि पढ़ाई दो तरीके से होती है, बताया था ना, पढ़ाई दो तरीके से होती है, पहला होता है आपका शौक, दूसरा होता है आपका खौफ,
ठीक है, तो आप लोग खौफ से पढ़ रहे होगे, मम्मी पापा के डर से अगर वीडियो देख रहे होगे कि भाई चलो मैथ साहब पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, शौक से पढ़िए, क्योंकि शौक से पढ़ोगे तो आपका जिंदगी सवरेगा, अच्छे से आप लोगों को मैथ भी समझ में आएगा, इसलिए शौक से पढ़िए, खौफ से मत पढ़िए, क्लियर, और शौक से पढ़िए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आप लोगों के मैं इतना शौक उत्पन्न कर दूंगा कि आप दिन रात मैथ 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 से ही बोलोगे, क्लियर। तो चलिए इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है, ए नंबर है, घात के रूप में व्यक्त कीजिए, क्लियर, घात के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग घातांक इसीलिए पढ़ रहे हैं कि संख्याओं को हम लोग घात के रूप में व्यक्त कर सके। यहाँ पर हमको संख्या दिया गया है, यहाँ पर क्या संख्या दिया गया है, नंबर कि 25/29, ठीक है, 29 आपका सेकंड डिजिट का नंबर है, 25 भी आपका डबल डिजिट का नंबर है, इसको हमको घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है, आपको फैक्टराइज किया करना पड़ता है, यहाँ पर फैक्टर निकालना है, जैसे यहाँ पर 4 का आपको फैक्टर निकालना है, 4 आपका एक इवन नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर रहेगा तो इवन नंबर से जाएगा, ऑड नंबर रहेगा तो ऑड नंबर से जाएगा, मीन्स 4 आपका इवन नंबर है, देन 2 2 जा 4 2 1 जा 1, ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 और 49 दोनों को मेरे को निकालना है, क्लियर, तो चलिए मेंशन कीजिए सभी अपने कॉपी में, नोट कॉपी में ही नोट डाउन करते जाइए, रफली यूज मत कीजिए, ठीक है, अगर रफ यूज करोगे तो मैं सभी आपको रफ बनाकर फेंक देगा, इसलिए फेयर कीजिए, ठीक है, जितने बॉयस लोग हैं गर्ल्स लोग हैं फेयर लवली भी लगाते होंगे, है ना, फेयर हैंडसम का जमाना है, बॉयस लोग भी लगा रहे होंगे, ठीक है, उसी के बेस पे बना लीजिए यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है, देखिए इट्स गिवन दैट, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, -25/49, क्लियर, तो चलिए 25 का हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं, तो 25 देखिए 25 में आपका लास्ट डिजिट में क्या है, आपका वंस में यहाँ पर 5 है, लास्ट डिजिट में क्या है आपका 5 है, जो कि क्या है ऑड नंबर है, तो 5 से ही जाएगा डिवाइडेड, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, जोड़ा बना लीजिए भाई, 5 इंटू 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 इंटू 5, क्लियर, 49 है, 49 का लास्ट डिजिट में है आपका 9, क्लियर, तो 49 एक ऐसी संख्या है जो केवल 7 से डिवाइडेड जाएगा भाई, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 49 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7, क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि घात के रूप में लिखिए, ठीक है, अगर ये आपका 2 बार आता है तो पावर 2 हो जाएगा, 3 बार आएगा क्यूब हो जाएगा, 4 आएगा 2 दी पावर 4, 5 आएगा 2 दी पावर 5, 6 आएगा 2 दी पावर 6, 7 आएगा 2 दी पावर 7, फिलहाल हमारे पास तो 2 बार आया है भाई, तो 5 का स्क्वेयर हो जाएगा बाय 7 का स्क्वेयर हो जाएगा, अगर दोनों को एक तरीके से लिखना है तो क्या हो जाएगा, 5/7 -5/7 2 दी पावर 2, क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था हमारा घात के रूप में व्यक्त करने वाला का पहला क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस में देखते हैं हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर वाला बोल रहा है भाई 27/125, क्लियर, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 27/125। 27 का पहला हम लोग फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पर 27 का फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर 27 का आपका लास्ट डिजिट है आपका ऑड नंबर, तो ये ऑड से जाएगा, ऑड नंबर की शुरुआत आपकी 1 से होती है, 1 3 5 7 9 11, फर्स्ट ट्राई करना है, 1 1 से नहीं जाएगा तो 3 3 से नहीं जाएगा तो 5 5 से नहीं जाएगा तो 7 7 से नहीं जाएगा तो 9 9 से नहीं जाएगा तो 11, और इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 4 6 8 10, 2 से नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा तो 6 से नहीं जाएगा तो 8 से 8 से नहीं जाएगा तो 10 से, फिलहाल हमारे पास तो है 27 का जो इकाई अंग में क्या है आपका 7, 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 3 9, 3 1 3, ज़्यादा मत जाइए, क्लियर, जितना जानते हो उतने में डूबिए, और ज़्यादा जानना है तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 को यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको जो भी दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 27/125, ये दिया गया है ना 27/125, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, क्लियर। नाउ 125 को भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, अब बोलोगे सर आप तो 27 को तो फैक्टराइज करके बताया 3 इंटू 3 इंटू 3, डायरेक्ट लिख दिया 125 को, डायरेक्ट लिखने का पर्पस क्या है, आपका ध्यान कहाँ है, क्लियर। तो चलिए मैं बता देता हूँ, 125 का भी ऑड नंबर है आपका लास्ट डिजिट 5 5 5 से ये डिवाइडेड जाएगा, मीन्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 कह रही 25 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5, क्लियर। चलिए यहाँ पर कैसा आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, इसको भी तो बताना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से 1 छोटा है इसलिए डिवाइडेड नहीं गया, तो मैं 2 संख्या ले लिया तो कितना बन गया 12, क्लियर। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना बचा 2, कितना बना 25, 5 5 25, क्लियर। लास्ट डिजिट देखिए ऑड है कि इवन है,
ऑड नंबर है, 5 से जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, और जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिखा इसलिए 5 × 5 × 5, क्योंकि घात के रूप में लिखना है तो 3 to the power 3 by 5 to the power 3, अगर इसको सम्मिलित रूप से एक साथ मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 5 to the power 3, ANS.answer। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकेंड का बी नंबर घात के रूप में व्यक्त कीजिए, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को घात के रूप में व्यक्त करना आ गया होगा, इसी के बेस पे अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 729/64, जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा वैसे क्वेश्चन हमारे बढ़ते जा रहा है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहा था, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप 1² 1 पढ़े थे, 2² 4 पढ़े थे, 3² 9 पढ़े थे, अब पढ़ोगे आप 15² 16² 17² 20² 25² क्लियर। तो इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 729/64। एट फर्स्ट 729 का हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं। चलिए 729 का ऑड लास्ट डिजिट में आपका ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर से ही जाएगा, 3 से करके देख लेते हैं भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर। 3 × 2 = 6, 1 carry, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, ऑड नंबर है लास्ट, फिर 3 से जाएगा, 3 × 2 से डिवाइडेड नहीं जाएगा, डबल डिजिट ले लीजिए, 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, लास्ट डिजिट क्या नंबर है आपका, ऑड नंबर है, क्लियर। ये भी 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 carry, 21, 3 × 7 = 21, 7 आपका क्या है ऑड नंबर है, ऑड से ही जाएगा क्योंकि 3 आपका ऑड नंबर ऑलरेडी चल रहा है, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। चलिए अब 729 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, 729/64, 729 को हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 आपका 6 टाइम आया है, मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, क्लियर। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 64 का कर रहे हैं भाई, ये आपका इवन नंबर है, ऑड का इवन नंबर के साथ सामना हो रहा है, ऑड को किसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इवन में, क्लियर। तो चलिए यहाँ से जाएगा 2 × 3 = 2, 2 × 2 = 2, 1 × 1 = 1 carry, देन 12 × 2 = 6, 1 छोटा है डबल डिजिट ले लीजिए, 2 × 8 = 2, 4 × 2 = 2, 1 × 1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम आए हैं, मीन्स हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 to the power 6, ANS.answer, क्लियर। मेंशन करते जाइए आंसर को, क्लियर। आपको पता भी नहीं चलेगा आंसर कहां पर आ गया, उत्तर भी नहीं लिखोगे, तो इसलिए लेखन शैली भी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर आपको प्रॉपर सिंबल के साथ लिखना है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट, तभी तो यार सामने वाला देखेगा, कॉपी को भी चेक करेगा आपका जो भी टीचर है, ठीक है, ऐसे ही नंबर देगा, क्लियर। तो इसलिए थोड़ा लेखन शैली पर भी ध्यान दीजिए, कहाँ क्या चिन्ह लगाना है, कहाँ पर क्या लगाना है, बराबर के जगह आप इसलिए लगा दिए हो, इसलिए की जगह चूंकि भी लगा दिए हो, क्लियर। तो इसलिए सिंबल को भी देखते जाना है, कहाँ पर इम्प्लाइस आता है, कहाँ पर इक्वल आता है, कहाँ पर पॉइंट है, कहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्लियर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आ गया देखिए, ये जड़ है भाई, मैसा का जड़ है, सिद्ध कीजिए, बिना सिद्ध किए तो मैसा ठीक है मानता नहीं है, सिद्ध करवाना ही पड़ता है उसको। तो चलिए यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 to the power 7 × 7/5 to the power 7 − 3/19 to the power 2 × 19/3 to the power 2 = हमको 0 प्रूव करना है, क्लियर। तो यहाँ पर दो साइड है भाई, कितने साइड है, दो, आपके भी दो हाथ है देख लीजिए, एक RHS है, एक RHS है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, क्लियर। नहीं पता है तो रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, SOLVE.solve, एट फर्स्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 5/7 to the power 7 × 7/5 to the power 7 − 3/19 to the power 2 × 19/3 to the power 2, क्लियर। अब यहाँ पर आपको गौर कीजिए, यहाँ गौर कीजिए भाई, इसका जो फेस कट है, इसका जो फेस कट है, इसके फेस कट जैसे है कि नहीं, दोनों भाई भाई जैसे दिख रहे हैं, बहन बहन जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं है तो बहन बहन बना दो, भाई भाई बना दो, ठीक है। थोड़ा सा क्रीम लगाना पड़ेगा, दोनों एक हो जाएंगे, ऊपर को नीचे करो, नीचे को ऊपर करो, यहाँ पर भी, या तो 3/19 बना लो या 19/3 बना लो, ये आपका मन है, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं भाई, 5/7 ही बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/7 to the power 7 है, अब इसको मैं बना देता हूँ, 7/5 है तो इसको मैं उल्टा कर दिया, कितना हो जाएगा 5/7, जैसे है उल्टा करोगे तो उल्टा रिजल्ट आएगा ना,
या पर प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, केवल पावर चेंज होगा, बेस आपका जैसा को वैसा रहेगा। क्लियर? दीवार एक बार खड़ा कर दिए, दीवार बदलेगा नहीं, पेंट करोगे पुट्टी, पुट्टी बदलेगा, कलर बदलेगा। उसी प्रकार यहाँ देखो 3/19 टू दी पावर है 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 3/19 बनाना है इसको, 19/3 है, ऊपर नीचे कर लो, ये हो जाएगा आपका 3/19। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ये भाई साहब चेंज हो जाएगा माइनस, पॉजिटिव इंसान था नेगेटिव बना दिया उसको। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस इक्वल है। क्लियर? यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ भी दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 5/7 टू दी पावर हो जाएगा 7 + -7, ये फार्मूला आता है, माइनस हो जाएगा 3/19 टू दी पावर हो जाएगा 2 + -2। कब आया पूछोगे ना, पूछो कब आया सर, बता रहा हूँ मैं कैसे आया, a^m (a^n) इक्वल टू होता है a^m + n। देखिए दोनों का धार राशि सेम रहता है, 5/7 एक बार लिखते हैं 5/7 हो गया, m की जगह में है आपका 7, तो m की जगह में 7 लिख दिया, प्लस दिया है NCERT छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोल रहा है भाई प्लस लिखना है मतलब लिखना है, लिख दिए। अब यहाँ पर है -7 तो -7 लिख दिया। उसी प्रकार 3/19 2 + -2 हो गया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 5/7 7 + -7, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 7 का हो जाएगा आपका 0, माइनस हो जाएगा 3/19 2 + -2 क्या हो जाएगा आपका 0। एक नियम पढ़े हो, कोई भी आधार राशि होती है जिसकी घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है आपका 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 1। ठीक है, तो 1 आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया आपका 1, तो 1 - 1 इक्वल हो गया आपका 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इट हैंस LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। क्लियर? चलिए लिख रहे हैं ना कि केवल सुनने का काम कर रहे हो यार, लिखो यार लिखो। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 का, 4 मार्क्स का ही आता है, 4 नंबर आप लोगों का पक गया। क्लियर? चलिए तो दिमाग तो पक ही रहा होगा, साथ में मार्क्स भी कमा लो यार। ठीक है, प्राप्तांक भी आप लोग पका लो। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस में देखते हैं एक और क्वेश्चन। पहला वाला बोल रहा है मेरे को तो सीधा कर लिए, अब भाई मेरे को सीधा करके बताओ, बोल रहा है पहला तो सीधा कर लिए, चलिए अब इसको भी सीधा कर देते हैं। अब ये बोल रहा है पी फॉर पैरोट वाला, क्यू फॉर क्वीन वाला। ठीक है, तोता का कहानी सुने होंगे, क्वीन रानी का भी सुने होंगे। ठीक है, तोता का तो सुन गए, लेकिन तोता क्या करता है भाई, रटता है, 2 + 2 = 4 ऐसा बोलता है ना आपको, तोते की जैसे रटना नहीं है, ये मैथ्स है, मैथ्स को समझना है। क्लियर? तो ये पी फॉर पैरोट को भूल जाइए। क्लियर? क्यू फॉर क्वीन को भी भूल जाइए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है p/q^m (p/q^m) = q/p^m = q/p^m है आपका -m। क्लियर? तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर, LHS लेफ्ट हैंड साइड, बोल सकते हो बायां पक्ष, बोल सकते हो वाम पक्ष, राइट हैंड साइड को बोल सकते हो दायां पक्ष, या बोल सकते हो दक्षिण पक्ष, या बोल सकते हो दायां पक्ष। क्लियर? एज यू विषय, जो भी बोल सको यार, कभी कभी मैं वामावर्त बोल देता हूँ, दक्षिणावर्त, कभी LHS, कभी RHS, कभी दायां, कभी बायां, कभी बायां, कभी दायां। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में है आपका p/q^m (p/q^m) = q/p^m। हमको प्रूफ करना है q/p^-m। क्लियर? चलिए जिसका बेस इक्वल नहीं है, बेस को पहले इक्वल कीजिए, दोनों का तो बेस इक्वल है भाई, तीसरे वाले का नहीं है। ठीक है, दो का बहुमत मिल गया है तो तीसरा वाला तो ऑलरेडी आएगा ना इसके तरफ, और नहीं आएगा तो जबरदस्ती ले आएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा p/q^m (p/q^m) हो जाएगा, चेंज कर दीजिए, p/q^m हो जाएगा प्लस m हो जाएगा आपका -m। ध्यान रखिएगा आपका जो पावर होता है वही चेंज होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। क्लियर? तो चलिए इनका बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस इक्वल हो गया मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व है। फॉर्मूला क्या बोलता है, a^m (a^n) = a^m (n+n+l। क्लियर? तो चलिए इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, m + m + -m, तो p/q हो गया ये। क्लियर? m + m (2m - m) कितना हो जाएगा, p/q का वैल्यू आ जाएगा आपका m। क्लियर? चूंकि यहाँ पर देखिए m + m (2m) हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, m का m,
अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि यू बाई पी टू द पावर माइनस एम, हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसको उलट दीजिए, क्यू बाई पी टू द पावर माइनस एम, राइट हैंड साइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इट्स दैट प्रूव दैट, क्लियर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका बी नंबर के क्वेश्चन। इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू, ठीक है, पैरोट क्वीन वाला तो चला गया, अब संख्या वाला आ गया, क्लियर। तो चलिए संख्या वाला को सॉल्व करते हैं। संख्या वाला है 25 बाय 16 टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 16 बाय 24 टू द पावर 4, ये तो नॉर्मली है, क्या है हमारे पास दिया गया है 25 बाय 16 टू द पावर है हमारा माइनस 4, क्लियर। तो हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a बाय बी टू द पावर m इक्वल टू होता है b बाय a टू द पावर माइनस m, पॉजिटिव नंबर आपका नेगेटिव नंबर में चेंज हो जाता है, नेगेटिव नंबर आपका पॉजिटिव नंबर, क्लियर। तो पॉजिटिव की तरफ आप लोग अग्रसर हो जाइए, पॉजिटिव ही अच्छी बात है, नेगेटिव तो गलत है, क्लियर। तो 25 हो जाएगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 16 बाय 25 टू द पावर हो जाएगा 4, ये है आपका LHS, ये है आपका RHS, LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट, क्लियर। चलिए लिखते जाइए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है भाई सत्य और असत्य, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर। आप लोग सोच रहे होंगे कब खत्म हो गया यार, ये सर क्या क्या बता रहे हैं, है ना, ऐसी बात नहीं है, किसी का स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही अच्छा होता है, और मैथ समय स्टार्टिंग का क्वेश्चन जितना ज़्यादा आता है एंडिंग का क्वेश्चन भी उतना ही आता है, क्लियर। तो लास्ट तक बने रहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस 5 बाय 4 टू द पावर 65 इक्वल टू है माइनस 5 टू द पावर 65 बाय 4 टू द पावर 65, सत्य है कि असत्य इसको बताना है, तो चेक कर लेता हूँ भाई, आप लोग ही बता लीजिएगा कि सत्य है कि असत्य। माइनस 5 बाय 4 टू द पावर 64 है, देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, a बाय बी टू द पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, क्लियर। तो चलिए इसी के बेस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 5 टू द पावर 65 हो जाएगा, 4 टू द पावर 65 हो जाएगा, देखिए इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसी के जैसा फेस कट है कि नहीं, है ना, तो क्या है ये ट्रू है आपका, सत्य, क्या है सत्य है, सत्य वचन, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगला है बी नंबर माइनस 32 बाय 19 टू द पावर 150 इक्वल टू है 32 टू द पावर 150 बाय 19 टू द पावर 150, क्लियर। फार्मूला हमारा क्या होता है, a बाय बी टू द पावर m इक्वल टू होता है a टू द पावर m बाय b टू द पावर m, क्लियर। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग बताते हैं, माइनस 32 टू द पावर है आपका 150 बाय में है आपका 19, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैं बताया था कि कोई भी आपका नंबर होता है, जैसे माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर रहता है इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, और माइनस 1 टू द पावर आपका ऑड नंबर रहता है इसका वैल्यू आपका नेगेटिव रहता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू, इसका तो पावर जो है पॉजिटिव है, मतलब 32 क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव में आएगा, उसी प्रकार 19 भी आपका क्या किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, देखिए दोनों पॉजिटिव में है, बिल्कुल है, तो क्या है ये आपका सत्य है, ये आता है फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स करके घुमादार क्वेश्चन टर्निंग क्वेश्चन में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेस पे सी नंबर, सी नंबर देखिए 25 इंटू 3 टू द पावर 5 है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला पढ़े, ए इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू होता है ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, चलिए इसे मार रख के देखिए, यहाँ पर है 25 इंटू 3 टू द पावर m, तो यहाँ होना चाहिए 25 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, देखिए इसके जैसा इसका फेस कट है या नहीं, है नहीं है, तो क्या है ये फॉल्स है आपका, ये क्या है आपका फॉल्स है, असत्य, असत्य है, क्लियर। तो आप लोग देख ही रहे हैं सत्य सत्य तो जान गए, क्लियर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये सत्य सत्य का, 27 बाय है आपका 16 टू द पावर है माइनस 15 इक्वल टू है 27 टू द पावर 15 बाय 16 टू द पावर 15, क्लियर। यहाँ पर देखिए 27 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का नंबर मतलब नेगेटिव में आएगा, ठीक है, यहाँ 27 टू द पावर माइनस 15 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका पॉजिटिव नंबर आ गया, क्लियर। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव नंबर का तो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए क्या है आपका असत्य है, क्लियर, ये क्या है आप लोगों का असत्य है, ठीक है। तो इतने में आप लोगों का जो घातांक का चैप्टर है सेकेंड एक्सरसाइज इतने में क्लियर होता है, आई थिंक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास, मजा आया होगा, ठीक है। तो इतने में घातांक का नियम आप लोग जान गए, क्लियर। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में भी नोट करते जाइए, जो भी नोट किए हैं उसको रिवीजन के तौर पे देखते रहिए, और इसी तरीके से नेक्स्ट लेसन के वीडियो पाने के लिए, क्लियर, हमारे सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लियर। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं,
ओके बाय, हैव अ नाइस डे।